हाय दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों मैं शुभम पांडे और आज हम देखेंगे चैप्टर 7 इक्विलिब्रियम, और हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं नीट में, क्या कैसा लेवल है उनका, एनसीईआरटी लेवल है या थोड़ा सा हटके है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि 2019 में पूछा गया है कि कंजुगेट बेस फॉर ब्रोमिस्टेड एसिड H2O एंड HFR। हमें कंजुगेटेड बेस बताना है, एसिड है H2O और HF। दोस्तों जो हमारा कंजुगेटेड बेस होता है उसमें एक H प्लस कम होता है, तो H2O में से अगर आप एक H प्लस कम कर दो तो जो आपको मिलेगा वो उसका कंजुगेट बेस होगा। ऐसे ही HF में से एक H प्लस कम कर दो तो जो आपको मिलेगा वो कंजुगेटेड बेस मिलेगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा, H2O में से H प्लस कम करोगे तो आपको मिलेगा OH माइनस। तो H2O का कंजुगेटेड बेस जो होगा वो OH माइनस होगा, HF का जो कंजुगेटेड बेस होगा F माइनस होगा। अगर आपसे पूछा जाता कि कंजुगेटेड एसिड तो एक H प्लस आप जोड़ देते और जो आपको मिलता वो कंजुगेटेड एसिड होता। जैसे कि अगर आपसे H2O पूछा गया है तो इसका कंजुगेटेड एसिड होगा H3O प्लस, क्योंकि एक H प्लस जोड़ने पर H3O प्लस मिलेगा हमें। आपसे HF पूछा गया है, इसका अगर आपसे कंजुगेटेड एसिड पूछा होता तो एक H प्लस जोड़ देते और आप कहते H2F प्लस। तो आप यहां से देख पा रहे हैं कि H2O है, उसका कंजुगेटेड बेस होगा OH माइनस एक H प्लस कम करके, और कंजुगेटेड एसिड अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको एक H प्लस जोड़ देना होगा H3O प्लस। विच विल मेक बेसिक बफर, कौन सा बेसिक बफर बनाएगा। दोस्तों ये एनसीईआरटी लेवल ही क्वेश्चन हैं, पहला क्वेश्चन भी और दूसरा क्वेश्चन भी आप देख पा रहे हैं। तो ये 2019 में पूछा गया है और इक्विलिब्रियम चैप्टर से एवरी ईयर 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा गया है कि बेसिक बफर इसमें कौन सा है। दोस्तों बेसिक बफर क्या होता है, बेसिक बफर होता है कि आपके पास वीक बेस हो और साथ में साल्ट ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, साल्ट ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास बेसिक बफर तभी बनेगा जब आपके पास वीक बेस भी हो और उसका साल्ट हो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। अगर आप 50 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH लोगे और 25 ml ऑफ 0.1 मोलर CH3COOH लोगे तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और CH3COOH स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि आपको वीक बेस चाहिए। दूसरा ऑप्शन अगर आप देखोगे तो 100 ml ऑफ 0.1 मोलर CH3COOH एंड 100 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग बेस है तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन अगर हम देखें तो 100 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl एंड 200 ml ऑफ 0.1 मोलर NH4OH, तो यहाँ पे आपको वीक बेस मिला हुआ है 200 ml ऑफ 0.1 मोलर NH4OH। दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे तो 100 ml 0.1 मोलर HCl रिएक्ट कर लेगा 100 ml ऑफ 0.1 मोलर NH4OH से, तो आपको जो बचेगा वो 100 ml ऑफ 0.1 मोलर NH4OH बचा रहेगा, मतलब वीक बेस आपके पास है। और जब 100 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl रिएक्ट करेगा 100 ml ऑफ 0.1 मोलर NH4OH से तो बनाएगा NH4Cl, जो कि क्या है, साल्ट है वीक बेस का और स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अगर यहाँ पे अमाउंट कम होता, अगर 100 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl होता और 100 ml ऑफ 0.1 मोलर NH4OH होता तब आपका ये वीक बेस ख़त्म हो जाता, ठीक है, केवल आपके पास साल्ट मिलता और केवल साल्ट का हाइड्रोलिसिस होता, तब ये आपका बेसिक बफर नहीं बना पाता। ऑप्शन अगर 4 की बात करें तो 100 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl 100 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड भी है और स्ट्रॉन्ग बेस भी है, और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपके बफर नहीं बनाते हैं, ठीक है, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाएंगे क्योंकि दोनों के अमाउंट सेम है, दोनों के मोल्स सेम है, नंबर ऑफ मोल्स दोनों के सेम है, तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाएंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस अगर रिएक्ट करता है तो हमारा सिंपल सॉल्ट बनता है और न्यूट्रल सॉल्यूशन बनता है।
दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि दिस इज अ बेसिक सोल्यूशन ड्यू टू NaOH की वजह से। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में दोनों इक्वल मोल्स हैं तो हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट टेक्स प्लेस होगा, और थर्ड ऑप्शन में HClNH4OH, यहाँ पे जो 10 मिली मोल HCl है वो 10 मिली मोल ऑफ NH4OH से रिएक्ट करेगा, 10 मिली मोल ऑफ NH4OH बचा रहेगा जो कि वीक बेस है, और जो हमारा साल्ट बनेगा NH4Cl वो 10 मिली मोल बनेगा। तो ये बेसिक बफर होगा क्योंकि यहाँ पे वीक बेस भी है और साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड भी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉलोइंग सॉल्यूशंस वेयर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ NaOH एंड HCl ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन। हमें फॉलोइंग सॉल्यूशंस बनाए हैं मिक्स करके, डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ NaOH का लिया है और HCl का, ठीक है। ए बी सी डी ऑप्शंस हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि pH ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी इक्वल टू वन, किसका pH 1 के बराबर होगा। दोस्तों pH 1 के बराबर तभी होगा जब आपका H प्लस का कंसंट्रेशन 10 के पावर माइनस वन होगा, क्योंकि आप जानते होंगे कि क्या फार्मूला होता है pH निकालने के लिए, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो 10 के पावर माइनस जब 1 होगा तभी तो माइनस माइनस प्लस होंगे, और लॉग 10 क्या होगा 1 होता है। तो pH आपको 1 चाहिए, आप देखो कि कंसंट्रेशन क्या है। तो 60 ml ऑफ M/10 HCl, 40 ml ऑफ M/10 NaOH, ठीक है, 55 ml ऑफ M/10 HCl, 45 ml ऑफ M/10 NaOH, 75 ml ऑफ M/5 HCl, 75 ml ऑफ M/5 NaOH। ये जो M है ना, कैपिटल M, ये आपका मोलर है। तो आप देखो कि जो 60 ml और M/10 HCl है, यहाँ से आपको 6 मिलीमोल मिलेगा, ठीक है। 6 मिलीमोल HCl है और 4 मिलीमोल आपका NaOH है। तो जब 6 से 4 कैंसिल कर देगा, क्योंकि 6 मिलीमोल आपका HCl है और 4 मिलीमोल आपका NaOH है। 4 मिलीमोल जो NaOH है वो रिएक्ट करेगा 4 मिलीमोल ऑफ एसिड से, तो आपका जो एसिड बचा रहेगा वो 2 मिलीमोल बचा रहेगा ऑप्शन ए में 2, और जो हमारा सोल्यूशन होगा वो हमारा होगा 100 ml का, टोटल वॉल्यूम जो होगा वो 100 का होगा, तो 2/100 हो जाएगा, और ये आपका क्या कहते हैं कंसंट्रेशन 10 के पावर माइनस 1 नहीं होगा। फिर अगर आप देखते हैं नेक्स्ट में कि 55 ml मतलब 5.5 मिलीमोल ऑफ HCl, ठीक है, और 4.5 मिलीमोल ऑफ NaOH, तो जब ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा 1 मिलीमोल ऑफ HCl, ठीक है, और जो हमारा वॉल्यूम होगा वो होगा 100, क्योंकि 55 + 45 100 होगा। तो 1 mmol/100 जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 10 के पावर माइनस 1, ठीक है, 10 के पावर माइनस 1 H प्लस, क्योंकि दोस्तों वॉल्यूम को हम किस में रखते हैं, लीटर में रखते हैं, ठीक है। तो 100 ml को जब हम लीटर में बदलेंगे तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा 100 ml/100 ml। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो ऑप्शन बी होना चाहिए। चलो देखते हैं सोल्यूशन। अब यहाँ देख पा रहे हैं H प्लस, 6 - 4/100, 2/100, जो कि pH 1 कभी नहीं आएगा। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं तो 5.5 - 4.5/100, तो 1/100, 10 के पावर माइनस 2, तो यहाँ पे pH 2 आ जाएगा। फिर H प्लस हम तीसरा ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे M/75 ml/M/5 है, जिसकी वजह से 15 मिलीमोल होगा, और 25 ml/M/5, तो वहाँ से आपको 5 मिलीमोल, जिसकी वजह से आपके पास 10 मिलीमोल बचा रहेगा। तो 10 मिलीमोल अपन जब 100
है वॉल्यूम से जब हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10^-1 pH, ठीक है। तो 10^-1 आया है, तो जब हम इसे pH में बदलेंगे तो माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस जो कि 10^-1 है, तो वहाँ से आपका pH 1 आ जाएगा। ऑप्शन बी नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे 10^-2 है, तो वहाँ पे pH आपका 2 आएगा। और ऑप्शन डी में दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, क्योंकि जितना HCl है उतना ही NaOH भी है, तो आपको कंसंट्रेशन ही कंपेयर करना था। और ऐसे कई क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। चलो तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल फेवर मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन द रिएक्शंस। कह रहा है कि कौन सा कंडीशन ज़्यादा फेवर करेगा मैक्सिमम फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो हम देखते हैं कि हमारा जो रिएक्शन है वह है A2 गैस + B2 गैस, हमें मिल रहा है X2 गैस, ठीक है। हीट ऑफ द रिएक्शन जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है इंथैल्पी जो है रिएक्शन की वो माइनस है। और दोस्तों अगर रिएक्शन इंथैल्पी माइनस है मतलब कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है रिएक्शन? एक्सोथर्मिक है मतलब हीट रिलीज हो रही है। जब हीट रिलीज हो रही होती है तो जो हमारा रिएक्शन फेवर करता है वो लो टेम्परेचर को फेवर करता है। क्योंकि अगर हम आप सभी पढ़ चुके हो, पढ़ी ही होगी कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। और अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मतलब रिएक्शन को फेवर करेगा। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसके लिए लो टेम्परेचर चाहिए। और अब आप देख रहे हैं कि अगर प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल्स कम है, प्रोडक्ट साइड में आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ मोल्स कम है क्योंकि केवल X2 गैस है 1 मोल, और रिएक्टेंट साइड में 2 मोल है, एक A2 का है और एक B2 का है। तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, हाई प्रेशर करेंगे, तो हमारा रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट करेगा जहां वो प्रेशर को रिड्यूस कर पाए, प्रेशर को कम कर पाए। जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारा रिएक्शन उस साइड जाएगा कि वो प्रेशर को रिड्यूस कर पाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो नंबर ऑफ मोल्स जब कम होंगे तो प्रेशर भी घटेगा, तो हमारा रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे हम हाई प्रेशर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट है कि लो टेम्परेचर होना चाहिए एक्सोथर्मिक होने की वजह से। नंबर ऑफ मोल्स कम है प्रोडक्ट में, इसलिए हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट के साइड में शिफ्ट करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स उधर कम है तो उधर प्रेशर रिड्यूस होगा अगर हम बढ़ाएंगे तो। तो फर्स्ट ऑप्शन सही होना चाहिए। और ये लास आतलिए का नियम है जो कि जिसकी वजह से आप इसे कर पाए, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। तो देख पा रहे हैं आप दोस्तों सॉल्यूशन A2 B2 गैस X2 गैस में चेंज हो रहा है। ये जो थर्मिक रिएक्शन है, सो आइडियल कंडीशन फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है फॉलोइंग रिएक्शंस के, N2+3H2 2NH3, जिसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने K1 बोला है। N2+O2 के लिए रिएक्शन में बोला गया है 2NO मिल रहा है, तो K2 है रिएक्शन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। H2+1/2O2+H2 सॉरी, तो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है H2O, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 है। अब आपके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है 2NH3+5/2O2, ठीक है, इक्वल टू 2NaO और 3H2O। तो दोस्तों आप ध्यान से देखो तो 2NH3 आपको चाहिए। अगर आप देखेंगे फर्स्ट रिएक्शन जो है N2+3H2 2NH3, अगर आप इसे उल्टा कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, तो आपको 2NH3 मिल जाएगा। मतलब K1 को जब आप उल्टा करेंगे फर्स्ट वाले रिएक्शन को, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी रिवर्स हो जाता है, इनवर्स कर दिया जाता है। तो अगर 2NH3=N2+3H2 आप करेंगे तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 ना होके 1/K1 हो जाएगा, K1 ना होके 1/K1 हो जाएगा। आप सभी जानते हो रिएक्शन को अगर आप रिवर्स करोगे तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो इनवर्स हो जाता है। तो आपको 2NH3 तो मिल गया। अब आपको चाहिए 5/2O2। अगर आप देखें 5/2O2 और जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिस रिएक्शन का हमें निकालना है उसके प्रोडक्ट साइड में 3H2O भी चाहिए, तो 3H2O तो तब मिलेगा जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड रिएक्शन है, उसमें 3 से दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर दें
तो 3H2, 3 by 2 O2 और 3H2O हमें मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा उसके पावर में हमें 3 करना पड़ेगा, मतलब कि K3 के पावर 3 हो जाएगा, तब हमें हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उस रिएक्शन के लिए K3 के पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि हम 3 से कोफिशिएंट अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या करना होता है, जो कांस्टेंट होता है इक्विलिब्रियम उसमें पावर करना पड़ता है। तो हमें 3H2 + 3 by 2 O2 + H2O मिल जाएगा, 3H2O, लेकिन हमें 5 by 2 O2 चाहिए, 5 by 2 O2 चाहिए, और प्रोडक्ट साइड में देख रहे हो तो 2NO चाहिए, मतलब कि K3 और K2 को जोड़ दें, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम दोनों रिएक्शन को मिडिल वालों को जोड़ दें तो हमें ये मिल जाएगा। और फर्स्ट वाले को तो हमने रिवर्स ही किया है, तो फर्स्ट वाले को रिवर्स किया है तो उसका इक्विलिब्रियम तो 1 by K1 हो गया था। K2 वाले को और K3 वाले को आपस में जोड़ रहे हैं, लेकिन K3 वाले को मल्टीप्लाई किया है 3 से उनके कॉफिशियंट में दोनों तरफ रिएक्शन के, तो इसलिए K3 के पावर 3 हो गया है, और K2 को जोड़ रहे हैं तो यहाँ अगर हम जोड़ते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो मिलेगा एक तरीके से वो मिलेगा K2 K3 के पावर 3 / K1, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। चलो देख लेते हैं कैसे। दोस्तों ये भी बिल्कुल NCERT से ही है, तो N2 + 3H2 है, 2NH3 K1 फर्स्ट के लिए, फिर N2 + O2 2NaO K2 सेकेंड के लिए, H2 1 by 2 O2 H2O K3 तीसरे के लिए। रिएक्शन हमें चाहिए 2NH3 5 by 2 O2 2NO 3H2, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या क्या रहे हैं कि इक्वेशन 2 है प्लस जो तीसरा वाला इक्वेशन है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, और जो चौथा वाला इक्वेशन है उसमें हमें क्या करना पड़ रहा है, माइनस करना पड़ रहा है, ठीक है। और जब माइनस करते हैं तो एक तरीके से हमें क्या करना पड़ता है, डिवीजन करना पड़ता है, और प्लस करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन। तो हमें के इक्वल टू मिल रहा है K2 K3 के पावर 3 / K1। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे है कि कंसंट्रेशन ऑफ द Ag+ आयन इन ए सेचुरेटेड सोलूशन ऑफ Ag2C2O4 इज 2.2 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Ag2C2O4 इज। यहाँ पे कंसंट्रेशन Ag+ का दे रखा है, वो है 2.2 × 10⁻⁴ मोल में पर लीटर। और दोस्तों ये सेचुरेटेड सोलूशन का कंडीशन है, मतलब कि सेचुरेटेड कंडीशन वो होता है कि इससे ज़्यादा अब नहीं घुलेगा, ठीक है। ऐसे समझिए कि चीनी पानी का अगर सोलूशन है तो उस पानी में अब चीनी नहीं घुलेगी, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सेचुरेटेड, ठीक है। एक्स्ट्रा सॉल्युबिलिटी अब नहीं होगी, तो हमें कैलकुलेट करना है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और कौन किसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, Ag2C2O4 का। तो दोस्तों Ag2C2O4 जब टूटेगा तो 2Ag+ बनाएगा, और साथ में C2O4 2- बनाएगा। 2Ag+ का कंसंट्रेशन हमें दे रखा है 2.2 × 10⁻⁴ 2Ag+ का, तो एक Ag+ का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 1.1 × 10⁻⁴। और हम सभी जानते हैं कि Ag 2 Ag+ मिला है हमें, तो C2O4 तो Ag का जस्ट हाफ होगा, क्योंकि 2Ag+ और साथ में C2O4 2- मिलेगा, और हमें Ag+ का कंसंट्रेशन 2.2 × 10⁻⁴ पता है, तो C2O4 का जो कंसंट्रेशन होगा वो Ag का जस्ट हाफ होगा, मतलब 1.1 × 10⁻⁴, ठीक है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फार्मूला जानते हो, बहुत ही आसान है कि आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, देख लेने पे ज़्यादा समझ में आता है। दोस्तों Ag2C2O4 टूटा है, 2Ag+ C2O4 2-, ठीक है। 2Ag की जगह पे नीचे हम यहाँ पे लिखेंगे 2S, ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में ये लिखा जाता है 2S लिखेंगे, ठीक है, और C2O4 की जगह पे लिखेंगे S, जबकि Sp लिखेंगे तो हम कहेंगे कि 2S का होल स्क्वायर, ठीक है, और C2O4 के लिए S का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो 2S की जगह पे जो हमें कंसंट्रेशन है वो 2.2 × 10⁻⁴ का होल स्क्वायर हमने लिख दिया, और C2O4 की जगह पे क्या करेंगे, जो सिल्वर का कंसंट्रेशन है उसका हाफ करना होगा, तो सिल्वर का कंसंट्रेशन तो पहले से ही दे रखा है Ag+ का 2.2, उसका हाफ जब करेंगे तो 1.1 × 10⁻⁴ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिला 5.3 × 10⁻½। तो बहुत ही आसान था दोस्तों KSP निकालना।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा सही नहीं है। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज चेंज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट इन द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। क्या कभी ऐसा होता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाए कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को नहीं बदलता है, वो केवल रिएक्शन की स्पीड को बदलता है, ठीक है, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को बदलता है, ठीक है, पाथ ऑफ द रिएक्शन बदलता है, लेकिन जितना फॉरवर्ड होता है उतना ही बैकवर्ड होता है। इक्विलिब्रियम अटेंड उसी कंडीशन पे होता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं करता है, ठीक है, कैटलिस्ट डालने पे ना तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बदलती है, केवल हमें जो इक्विलिब्रियम मिलना था जिसके लिए हमें ज़्यादा समय लगता है वो हमें जल्दी मिल जाता है। एंजाइम कैटलाइज मेनली बायोकेमिकल रिएक्शन, ये सही बात है, एंजाइम्स कैटलाइज करते हैं ज़्यादातर बायोकेमिकल रिएक्शन को। को एंजाइम्स इंक्रीज द कैटलिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स, हाँ को एंजाइम्स इंक्रीज कर देते हैं कैटलिटिक एक्टिविटी को, क्योंकि को एंजाइम्स सपोर्टर होते हैं एंजाइम के। कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट एनी रिएक्शन, कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता है, वो रिएक्शन हो रहा होता है बहुत स्लो होता है, कैटलिस्ट डाल देने पे वो फास्ट होने लग जाता है, जितनी तेज़ी से फास्ट फॉरवर्ड होता है उतनी ही तरह से फास्ट हमारा बैकवर्ड रिएक्शन भी होता है। कैटलिस्ट हमारा इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेंड कराता है, लेकिन इक्विलिब्रियम वही मिलता है। तो जो हमारा यहाँ पे नॉट करेक्ट है वो ऑप्शन फर्स्ट ही है कि कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को बदल देगा, ऐसा नहीं होता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे है कि कंसिडर द फॉलोइंग लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, कंसिडर करो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम को, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, इसमें कौन सा रिलेशन करेक्ट है। दोस्तों केवल यही एक क्वेश्चन है जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, डी एल एन पी अपान डी टी, ठीक है। ये एल एन जो है ये लॉग है, बेस यहाँ पे ई होता है, और जब लॉग होता है तो उसका बेस 10 होता है, ठीक है, और ये पी हमारा प्रेशर है, टी हमारा टेम्परेचर है, डेल्टा एच भी हमारा समझ रहे हैं हीट ऑफ द वेपराइजेशन है, और आर हमारा गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है उस समय का, ठीक है। इसे बोलते हैं क्लासियस क्लैपियरॉन इक्वेशन, डी एल एन पी अपान डी टी माइनस डेल्टा एच बी अपान आर टी, यहाँ पर माइनस नहीं लिखा है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे है कि एम वाई एंड एन वाई थ्री टू नियरली इनसोल्युबल साल्ट, दोनों इनसोल्युबल साल्ट हैं, हैव द सेम के एस पी, इनकी दोनों की के एस पी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट सेम है, वैल्यू जो है वो 6.2 × 10⁻³⁰ है रूम टेम्परेचर पे। कराए कि विच स्टेटमेंट वुड बी ट्रू रिगार्डिंग टू एम वाई एंड एन वाई थ्री, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है जो कि हम रिगार्ड संबंध रखता है एम वाई और एन वाई थ्री से। तो यहाँ पे है कि द मोलर सॉलिबिलिटी ऑफ एम वाई एंड एन वाई थ्री इन वाटर आर आइडेंटिकल, मोलर सॉलिबिलिटी सेम होगी एम वाई और एन वाई थ्री की, ऐसा नहीं होगा, ऐसा तब होता जब एम वाई होता और एन वाई होता, ना कि एन वाई थ्री होता, तब दोनों की आइडेंटिकल होती क्योंकि दोनों की सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट भी सेम थी। लेकिन अब सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट तो सेम है, लेकिन जब एम वाई टूटेगा तो केवल एम और वाई में टूटेगा, एन वाई टूटेगा तो एन वाई थ्री तो एन में टूटेगा और थ्री वाई में टूटेगा, तो अलग अलग सॉलिबिलिटी है उनकी, भले सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट उन दोनों की सेम है। ऑप्शन बी अगर कह रहा है कि द मोलर सॉलिबिलिटी ऑफ एम वाई इन वाटर इज लेस देन दैट ऑफ एन वाई थ्री, जो मोलर सॉलिबिलिटी है एम वाई का वाटर में वो कम होगा एन वाई थ्री से। ऑप्शन सी है कि द साल्ट ऑफ एम वाई एंड एन वाई थ्री आर मोर सोलूबल इन 0.5 mky देन इन प्योर वाटर, एंड ऑप्शन डी है कि द एडिशन ऑफ द साल्ट ऑफ के वाई टू सोलूशन ऑफ एम वाई एंड एन वाई थ्री विल हैव नो इफेक्ट ऑन दियर सॉलिबिलिटी। एडिशन कर रहे हैं हम साल्ट का के वाई का, पोटेशियम वाई का, ठीक है, तो सोलूशन में ऑफ एम वाई और एन वाई थ्री तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उनकी सॉलिबिलिटी में। अरे क्यों नहीं पड़ेगा उनकी इफेक्ट, क्योंकि आप के वाई डाल रहे हो ना, एक कॉमन आयन है ना, वाई कॉमन आयन है ना, तो सॉलिबिलिटी भी बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया था ट्रू, ठीक है, सही स्टेटमेंट, तो सही स्टेटमेंट खोजते हैं, चलो इनकी सॉलिबिलिटी निकाल दें।
MY टूटेगा तो M प्लस और Y माइनस, तो दो यस यस दोनों के लिए लिखेंगे, और कि एस पी हमारा एस स्क्वायर आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का जो कॉफिशियंट है, स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशियंट है, वन वन है, तो एस स्क्वायर आएगा, और कि एस पी की वैल्यू है 6.2 × 10⁻³, तो वहाँ से एस आएगा 6.2 × 10⁻³ अंडर रूट में, तो एस की वैल्यू आ जाएगी 7.87 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर सॉल्युबिलिटी हमें मिल गई, ठीक है। ये हमारा M के लिए भी होगा और Y के लिए भी होगा। अब देखते हैं हम NY3 के लिए, NY3 के लिए हम लिखेंगे N3 plus 3Y, तो यहाँ पे N तो S होगा लेकिन Y के लिए 3S होगा, तो कि SP होगा S into 3S का होल क्यूब, क्योंकि स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशियंट 3 है, तो जो मिलेगा हमें वो 27S4 मिलेगा और इक्वल टू 6.2 × 10⁻³ लिखा, इसलिए क्योंकि KSP दे रखा था कि दोनों के लिए सेम है, तो यस हमें मिला 6.2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 27 होल के पावर 1/4, जो हमें यस की वैल्यू मिली वो 3.89 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर। यहाँ के लिए जो सॉल्युबिलिटी है 3.89 × 10⁻⁴ है, मतलब कि पहले वाले से ज़्यादा है, पहले के लिए तो 10⁻⁷ था जो कि बहुत कम है इन कंपेरिजन टू 10⁻⁴, तो मोलर सॉल्युबिलिटी जो एन वाई थ्री की है वो ज़्यादा है देन एम वाई इन वाटर। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और हमने देखा था, ये देखा 2019 से लेके 2016 तक जो भी क्वेश्चन आए थे, तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन आए हुए हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे पूछा गया है रिगार्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केएस, ठीक है, केएसपी पे क्वेश्चंस पूछे गए, एसिडिटी पे भी क्वेश्चंस पूछे गए, पीएच निकालने पे भी क्वेश्चंस पूछे गए, तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस था, और इन अगर अभी इन द प्रेजेंट कुछ बात करें एक दो सालों में, तो सारे पेपर के ट्रेंड यही है कि केवल एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं नीट एग्जाम में, आउट ऑफ द एनसीईआरटी नीट एग्जाम से नहीं ही पूछे जा रहे हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब कि अगर 720 का पेपर है तो आप 650 प्लस एनसीईआरटी के दम पर स्कोर कर सकते हो, लेकिन हाँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किए रहेंगे तो आप बिल्कुल स्कोर कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करो, ताकि जब भी हमारे वीडियो पे ज़्यादा लाइक्स आते हैं, ठीक है, व्यू आते हैं, आप कमेंट करते हो तो हमें अप्रिसिएट, हमें लगता है कि आप हमारे काम को अप्रिसिएट कर रहे हो, आपको बेनिफिट मिल रहा है इस वर्क से, तो ये करना बिल्कुल आप ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।